हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वेरीगेटेड रबर प्लांट है। अभी कुछ दिन हुए ही लिए था, हो गए समझो इसको लिए हुए 20-25 दिन हो गए, और ये रेड वाली सॉइल में, ठीक है। तो अब हम आज इसको शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा पॉट भी थोड़ा बड़ा, उसमें सॉइल अच्छी हेल्दी हो जाएगा। अभी इसके लीव्स भी आपको थोड़े छोटे दिख रहे हैं, जब सॉइल और पॉट बड़ा होगा तो मतलब सॉइल अच्छी होगी और पॉट बड़ा होगा तो इसके लीव्स वगैरह भी बड़े होने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसको निकालना है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे। इसको निकालने के लिए इसमें एक दो दिन से पानी नहीं डालते तो थोड़ा ना केक जैसा हो जाती है मिट्टी। तो इसको अब इसको ऐसा करके और हल्के हाथ से किसी ऊंची जगह पे खटखट करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके दिखाती हूँ इसको, बस यहाँ से ऐसे हाथ लगा के इधर से ऐसे ऐसे करेंगे तो ये निकल आया है ना। और इसको हम सीधा रख देंगे पानी में, 10-15 मिनट में ये पानी में से मिट्टी अपने आप छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। बस इसको ऐसे ही रख के इसको छोड़ देना है, अपने आप ही एक्स्ट्रा मिट्टी निकल जाएगी। ये देखिए गलना शुरू हो गई ना, हाथ लगाते ही शुरू हो गई निकलना। ये वाली मिट्टी क्या है, वैसे तो जहाँ ये बनाते हैं जैसे पूना में, कलकत्ता में, तो बेंगलोर में, तो वहाँ पे तो मिट्टी ऐसी है, लेकिन वेदर वहाँ की यहाँ से कई गुने अच्छी होती है। बहुत मतलब मॉडरेट वेदर होती है, धूप बहुत तेज़ नहीं होती, ठंड भी बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर पड़ती है, तो वहाँ ये मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो अच्छा चलता है, और वेदर कंडीशन भी उनका साथ देती है, तो प्लांट वहाँ बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक्सट्रीम पे होता है, इधर नॉर्थ में गाज़ियाबाद यूपी साइड में ना, तो इनकी मिट्टी चेंज करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखिए आप निकल रही है ना, ये देखिए, जब तक ये होता है तब तक हम इसकी सॉइल बता देती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ज़रा में निकल गई इसकी मिट्टी, सारी अपने आप निकल गई, हमने कुछ भी नहीं किया। पर बीच में इसमें लगी हुई है ये टोकरी, दिख रही है ना आपको, इसमें से रूट्स निकली हुई हैं और ये ऐसे हो रखा है। अब मैं इसको निकालती हूँ, ये निकालना थोड़ा इसमें टाइम लगता है ना, और पीसेस कर करके निकलती। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमें साबुत निकालनी है, हमेशा सोचिए टुकड़े कर करके निकालनी है, क्योंकि रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और आपने देखा सारी मिट्टी अलग हो गई है, तो हम इसको ज़्यादा देर खाली भी नहीं रख सकते हैं ना। तो ये है इसकी कहानी, ये पीसेस कर करके निकालते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। और इसको मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, आप देखिए इसकी टोकरी निकल गई, टाइम लगा लेकिन निकल गई, सब पीसेस छोटे छोटे करके निकले। ये देखिए बाहर पड़े हुए ना इस साइड, ये सब इसी के टोकरी हैं। और अब मैं इसमें भर रही हूँ मिट्टी, तो आधी मैंने मिट्टी गमले में भर दी है, और जो मिट्टी का इसका रेशो है वो है 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट इसमें गोबर खाद डाली है मैंने, क्योंकि पत्तियों वाला फॉलिएज वाला प्लांट है, गोबर की खाद बेस्ट है। और साथ में इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच नीमखली पाउडर और 1/2 चम्मच बॉबिस्टिन पाउडर, ठीक है। और इसको मैं लगा रही हूँ, तो ये रख के प्लांट देख लेना चाहिए पहले कि कहाँ तक आ रहा है ना। तो इसको ये थोड़ा और गहरा करती हूँ मैं इसको, तो ये इसको भर दिया। और इसको अब थोड़ा ठोंक देंगे अच्छे से, आपने देखा था रूट सब बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, और अभी मैंने कर लिया है, लेकिन अगर आपकी पूरी नहीं होती उसको मत ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिए, बीच का तो रूट बॉल वैसे ही रहने दीजिए, आसपास की मिट्टी उसकी झड़ा दीजिए, ठीक है ना। तो एक दो दो चार बार आप इस तरह से करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना इसमें से मिट्टी हटानी है, कितनी रूट्स बचानी है, फिर प्लांट्स मरेंगे नहीं। मैं अभी दिखाती हूँ, मैंने पीछे भी जो रिपोर्ट किया था वो भी दिखाती हूँ आपको, अच्छा चल रहा है वो भी, ठीक है। और अभी इसमें मैं पानी डालती हूँ, और पहली बार पानी में अच्छा भर के ही डालना है। और अब इसकी थोड़ी सी केयर के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। अभी इस प्लांट को मैं रखूँगी बिल्कुल कोने वाली जगह पे, जहाँ इस पर ज़रा सी भी धूप ना पड़े, ठीक है। और बेटर है कि आप किसी अंधेरी वाली जगह पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन बाद आप इसको थोड़ी ऐसी जगह रखें इनडायरेक्ट सनलाइट वाली, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लांट काफ़ी हेल्दी है मेरा ये, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इसका एक भी पत्ता गिरे, ठीक है। तो अभी मैं इसे बिल्कुल कोने में यहाँ रख रही हूँ छत पे, जहाँ 2 दीवारें मिलती हैं, तो वहाँ इस पर रोशनी तो इसको मिलेगी, लेकिन धूप इस पर बिल्कुल पूरे दिन में कभी भी नहीं पड़ेगी,
ठीक है, 4-5 दिन बाद जब इसकी जड़ें अच्छे से सेटल हो जाएंगी उसके बाद मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मॉर्निंग की से 15-20 मिनट की धूप मिले। जब उसमें 15-20 दिन निकल जाएंगे उसके बाद मैं इसे धीरे से थोड़ी और धूप में लाऊंगी। इसको वैसे भी ज़्यादा धूप तो चाहिए नहीं इस प्लांट को, है ना, तो 1-2 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट या इवनिंग की मिल जाए सफिशियंट है। दूसरा, इसमें पेस्ट वगैरह का जैसे आप बाकी रेगुलर कर रहे हैं स्प्रे 15-15 दिन के उस पर, तो वैसे ही इस पर करते जाना है। फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा चाहिए नहीं इसको, है ना, महीने में एक बार या 2 महीने में 1 बार। इंडोर प्लांट्स को वैसे भी इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, और गोबर की खाद या कंपोस्ट ही सफिशियंट है इनके लिए, ठीक है। बाकी इसमें और एसएस तो इंडोर प्लांट है, लेकिन इसको अगर आप इंडोर सचमुच में रूम में ही रख रहे हैं तो विंडो वगैरह के पास रखिए जहाँ इसे हल्की सी थोड़ी सी धूप मिल जाए खिड़की से छन के 1-1.5 घंटे की, तो सफिशियंट है इनके लिए। पानी इसमें आपको तभी डालना है जब टॉप लेयर इसकी सूख जाए। और इसकी आप देख रहे हैं पत्ते काफ़ी थिक से लग रहे हैं, तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा आप पानी डालेंगे तो रूट रॉट हो जाएगा और प्लांट की पत्तियाँ गिरने लगेंगी, कई बार पत्तियाँ यहाँ से ब्राउन भी हो जाती हैं, जलने लगती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप तो आपका ये जो रबर प्लांट है बहुत अच्छा चलता रहेगा। मेरे वैसे एक और मैंने लगाया था कटिंग से, उसका भी वीडियो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने शिफ्ट किया था टेक्सस सेज, और तब भी आपको मैंने दिखाया था इसकी पूरी सॉइल वॉइल निकाल के, और अभी देखिए आप बहुत अच्छा लग गया ये, है ना। और कोई भी प्लांट आप शिफ्ट करते हैं जब भी, तो उसकी कई बार पत्तियाँ ना, कई बार क्या ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं पत्तियाँ सूख के करने लगती हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट में कभी भी कोई भी चेंज करते हैं, जगह की चेंज करें हम, वेदर चेंज होती है या उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें अक्सर पत्तियाँ ब्राउन हो जाती हैं। पर आप ध्यान से देखिए इसमें सब जगह ग्रोथ हो रही है ना, तो ये नई ग्रोथ होने के लिए भी होता है कि पुरानी पत्तियाँ गिरा के और नई आने लगती हैं, देखिए यहाँ से, है ना, सब हो रही है ना नई ग्रोथ, ये देखिए आपको दिख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये अपने आप जड़ के गिर जाएंगे, हाथ से तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है रबर प्लांट को, देखिए यहाँ कॉर्नर आता है और यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आएगी, और इधर ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, थोड़ा कूल सा भी रहता है। आस पास बहुत कूल वाले गमले ही रखे हुए हैं ना, तो मॉइस्ट भी बना रहता है, तो इसमें ये अच्छा चल जाएगा। और आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।